अर्थशास्त्र हिंदी माध्यम कक्षा 12 पांचवा पाठ आज हम शुरुआत करेंगे जिसका नाम है गरीबी। गरीबी में सर्वप्रथम हम लोग गरीबी का अर्थ समझेंगे कि गरीबी किसे कहते हैं और गरीबी के अर्थ के बाद गरीबी का स्वरूप पढ़ेंगे जिसमें गरीबी के दो स्वरूप आते हैं, निरपेक्ष गरीबी और सापेक्ष गरीबी। सर्वप्रथम हम प्रस्तावना लेते हैं जिसमें गरीबी का अर्थ भी शामिल हो जाएगा। समाज का एक वर्ग, आप यहाँ पे देख रहे हैं मैंने निशान लगाया हुआ है, ठीक है, यहाँ से आपकी परिभाषा शुरुआत हो रही है अथवा प्रस्तावना के रूप में उसकी भूमिका के रूप में भी हम जान सकते हैं। समाज का एक वर्ग अपनी मूलभूत न्यूनतम आवश्यकताएं भी संतुष्ट नहीं कर सकता। समाज का एक वर्ग, मैंने आपको पहले भी सिखाया है और आज भी सिखा रहा हूं कि समाज में सर्वप्रथम उच्च वर्ग जिसे हम अमीर वर्ग श्रीमंत वर्ग कहते हैं, दूसरा मध्यम वर्ग आता है, तीसरा निम्न वर्ग आता है और एक चौथा भी ले सकते हो, निम्न से भी निम्न, गरीबी रेखा से नीचे। तो समाज का एक ऐसा वर्ग जो अपनी मूलभूत न्यूनतम आवश्यकता है, जिसे हम दूसरे शब्दों में कहे तो प्राथमिक आवश्यकता है, रोटी कपड़ा मकान, ठीक है, इसे भी अगर संतुष्ट नहीं कर सकता तो उसे हम गरीबी के रूप में जानते हैं। और अधिकांशतः विकासशील देशों में, विकासशील देश अर्थात जहां पर प्रति व्यक्ति आय बहुत ही कम हो और जनसंख्या वृद्धि का दर बहुत ही अधिक हो, विकासशील देशों में जहां प्रति व्यक्ति आय का प्रमाण नीचा होता है और साथ में आय का जो वितरण होता है, वितरण अर्थात बंटवारा, वो कैसा होता है, असमान देखने को मिलता है, यहां पर आबादी अर्थात जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो कि गरीब है अथवा अच्छा जीवन जीने की मूलभूत न्यूनतम आवश्यकताएं जैसे पर्याप्त मात्रा में पोषक आहार मतलब संतुलित आहार, कपड़ा इत्यादि, अच्छा आवास मतलब घर, जो मैंने आपको कहा रोटी कपड़ा मकान, भी प्राप्त नहीं कर सकता। तो दूसरी तरफ कौन सा वर्ग है, धनी वर्ग है, समृद्ध वर्ग है, जहां ऊंची आय है, ऊंचा जीवन स्तर जीता है। तो आपने देखा विकासशील देशों में समाज का एक ऐसा वर्ग है जिसे अपनी न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताएं भी पूरा करने में वो समर्थ नहीं है, ना उसके पास अच्छे कपड़े हैं, ना अच्छे आवास की सुविधा है और ना ही पर्याप्त मात्रा में आहार या भोजन प्राप्त होता है। जबकि समाज का एक दूसरा वर्ग जो धनी वर्ग है, समृद्ध वर्ग है और उसके पास ऊंची आय भी है और ऊंचा जीवन स्तर भी है, जिसके कारण अर्थतंत्र में दिखाई देने वाली इस आर्थिक असमानता के कारण समाज में क्या क्या देखने को मिल रहा है, असंतोष, अशांति और ईर्ष्या, द्वेष की भावना, वर्ग विग्रह। तो ये सारे शब्द का मतलब आप समझते हो, मैं आपको वर्ग विग्रह बोल रहा हूं। वर्ग विग्रह अभी मैंने चार नाम बताए आपको, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग और गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वाले, ऐसे वर्ग विग्रह जैसी परिस्थिति देखने को मिलती है। मानव विकास अहवाल 1997 के अनुसार आर्थिक विकास एक साधन है और मानव विकास उसका ध्येय है। आप देख रहे हो कि मैंने निशान लगाया हुआ है, आप लोग भी याद करने में सरलता इसलिए अंडरलाइन करते जाएंगे, निशान लगा लेंगे ताकि बार बार आपको ढूंढना ना पड़े। तो यहां पर जो मैंने निशान लगाया उसका एक प्रश्न भी बन रहा है कि आर्थिक विकास एक साधन है और मानव विकास खाली जगह है, तो मानव विकास क्या आएगा, ध्येय, ये स्वाध्याय के प्रश्नों में भी आ जाएगा। इसलिए आर्थिक विकास के साथ साथ गरीबी में भी तेजी से कमी हो रही है। तो आपने देखा बच्चों की गरीबी में कमी क्यों हो रही है, तो मैंने आपको बताया कि समाज का एक ऐसा वर्ग है जिसके अंदर पर्याप्त भोजन कपड़ा आवास प्राप्त करने की समर्थता नहीं है, जबकि विकासशील देशों में ज्यादातर आबादी में जो प्रति व्यक्ति आय होता है नीचा होता है और जो आय की जो बंटवारे किए जाते हैं वो भी असमान देखने को मिलता है, जिसके कारण अमीर वर्ग और धनी वर्ग देखने को मिलता है और इस असमानता के कारण समाज में असंतोष, अशांति, ईर्ष्या, द्वेष की भावना, वर्ग विग्रह जैसी परिस्थिति देखने को मिलती है।
अब मैं अगली लाइन आपको बता रहा हूँ, पांचवी पंचवर्षीय योजना एवं उसके बाद की पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना अर्थात पांच वर्ष की योजना जिसके अंदर देश के विकास के लिए की गई योजनाओं को या की गई उपायों को अमल में लाया जाता है। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना एवं उसके बाद की पंचवर्षीय योजनाओं में गरीबी उन्मूलन के लिए, गरीबी उन्मूलन अर्थात गरीबी को जड़ से समाप्त करने के लिए एक व्यूह रचना के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम और योजनाएं शुरू की गई, परंतु गरीबी में लक्ष्यांक के अनुसार कमी नहीं हो सकी। तो आपसे विकल्प में पूछा जाएगा कौन सी पंचवर्षीय योजना के बाद गरीबी उन्मूलन की व्यूह रचना कार्यक्रम और योजनाएं शुरू की गई, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना। लेकिन जितना लक्ष्य रखा गया था, जितना ध्येय रखा गया था, उस तरीके से हम गरीबी में कोई कमी कर सके नहीं। अब मैं आपको गरीबी की परिभाषा अर्थ बता दे रहा हूं, आप पहले भी देख चुके हो। समाज का एक बड़ा वर्ग अपनी मूलभूत न्यूनतम जीवन की आवश्यकताओं, मूलभूत और न्यूनतम की जगह प्राथमिक आवश्यकताएं जैसे शब्द का भी उपयोग कर सकते हैं। समाज का एक बड़ा वर्ग अपनी मूलभूत न्यूनतम जीवन की आवश्यकताओं को संतुष्ट नहीं कर सकता हो, इस परिस्थिति को गरीबी कहते हैं। तो इस तरह से आपने गरीबी की परिभाषा देखी। एक और मैं आपको सिखा दे रहा हूं, यदि समाज का एक बड़ा वर्ग न्यूनतम जीवन स्तर से भी नीचे के जीवन स्तर से युक्त हो तो समाज में व्यापक गरीबी ऐसा कहा जा सकता है। अर्थात समाज का एक बड़ा वर्ग अपनी प्राथमिक न्यूनतम आवश्यकताओं को भी पूरा न कर सके और उसका ज्यादातर जीवन स्तर गरीबी में ही जीता हो तो उसे हम समाज में व्यापक गरीबी के नाम से जानते हैं। गरीबी के अलग अलग अर्थ घटन को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला नाम है गरीबी का परंपरागत अर्थ अर्थात आय रूपी गरीबी, और दूसरा नाम है गरीबी का आधुनिक अर्थ अथवा गैर आय रूपी गरीबी। वह आपको तीन नंबर में पूछा जाएगा अथवा अलग अलग भी पूछा जाएगा कि गरीबी का परंपरागत अर्थ बताइए या आय रूपी गरीबी समझाइए, आपके स्वाध्याय में यह प्रश्न पूछा गया है। अथवा दूसरा पूछा जाएगा गैर आय रूपी गरीबी। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है, ये जो मैं आपको सिखाऊंगा ये आय रूपी गरीबी है, और इसके बाद जो मैं आपको सिखाऊंगा वो होगा गैर आय रूपी गरीबी। तो हम शुरुआत करते हैं पहला नंबर जिसका नाम है आय रूपी गरीबी। गरीबी के आय रूपी दृष्टिकोण से जीवन जीने के लिए आवश्यक चीज वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए निश्चित किए गए आय एवं खर्च का न्यूनतम स्तर अर्थात गरीबी रेखा। तो आपने देखा कि गरीबी के आय रूपी दृष्टिकोण से जीवन जीने के लिए जो आवश्यक चीज वस्तुएं हैं या सेवाएं हैं उसको खरीदने के लिए निश्चित किया गया है रकम। अगर वह व्यक्ति निश्चित किए गए आय और खर्च के जितना भी खर्च करने में समर्थ ना हो तो उसे गरीबी रेखा कहते हैं। गरीबी रेखा द्वारा निश्चित किए गए आय या खर्च के न्यूनतम से भी कम आय प्राप्त करने या खर्च करने वाले वर्ग को गरीब कहते हैं। अभी मैंने सिखाया कि आवश्यक चीज वस्तु और सेवाओं को खरीदने के लिए जो आय निश्चित किया गया है, खर्च निश्चित किया गया है, अर्थात ये निश्चित आय और खर्च जितना भी वह आय और खर्च नहीं कर सकता अर्थात उससे क्या करे, कम आय प्राप्त करे, उसे कम खर्च करे, तो ऐसी स्थिति को हम गरीब कहते हैं। ठीक है, गरीबी एक अभाव की स्थिति है। भारत में गरीबी रेखा के लिए आवश्यक निश्चित न्यूनतम कैलोरी प्राप्त करने के लिए आवश्यक भोजन पर होने वाले न्यूनतम उपभोग खर्च को ध्यान में रखा जाता है। तो आपने देखा कि गरीबी एक अभाव की स्थिति है और भारत में गरीबी रेखा के लिए आवश्यक निश्चित न्यूनतम कैलोरी निश्चित की गई है, भोजन पर होने वाला न्यूनतम उपभोग खर्च को ध्यान में रखा गया है, परंतु इस पद्धति से निश्चित की गई गरीबी की मर्यादा यह है कि वह सिर्फ अपर्याप्त भोजन यानी भूखमरी की स्थिति को दर्शाता है और गरीबी सिर्फ भूखमरी की स्थिति नहीं है। इसलिए कहा गया न्यूनतम औसत
जीवन स्तर की संकल्पना में भोजन के अतिरिक्त अन्य बातें भी लेना चाहिए। पहले क्या होता था कि गरीबी किसको कहते हैं, जो पर्याप्त भोजन प्राप्त ना कर सके, पौष्टिक आहार प्राप्त ना कर सके। लेकिन जब से अर्थशास्त्रों ने उसके ऊपर अध्ययन किया, तब से सिर्फ भोजन नहीं लेकर भोजन के अलावा कपड़ा, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पीने का शुद्ध पानी इत्यादि आधारभूत सुविधाओं का भी समावेश होता है। अर्थात आपने देखा कि गरीबी के अलग अलग अर्थ गठन के आधार पर गरीबी को दो भागों में बांटा गया, जिसमें पहला परिचय मैंने आपको बताया आय रूपी गरीबी। इसके अंदर जो बताया गया है कि पहले गरीब किसमें माना जाता था, पर्याप्त भोजन को आधार लिया जाता था। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया, लोगों ने अध्ययन किया तो भोजन के अलावा यहाँ कपड़ा, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पीने का शुद्ध पानी इत्यादि आधारभूत सुविधाओं का समावेश किया गया। आधारभूत सुविधाएं अर्थात जो जीवन का आधार है, जिसके द्वारा लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठता है, उन सभी बातों का समावेश किया गया। अब यहां पर आप दूसरा नंबर देख रहे हैं, अर्थात दूसरा नंबर गैर आय रूपी गरीबी। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के मतानुसार आय रूपी गरीबी वह एक गरीबी का महत्वपूर्ण पहलू है, परंतु उसमें मानव जीवन का एक छोटे हिस्से का एक ख्याल आता है। कार्य करने, पसंदगी के लिए जो स्वतंत्रता धनी लोगों के पास मिलती है, वह गरीबों के पास कभी नहीं होती। तो देखा बच्चों, आय रूपी गरीबी में एक सिर्फ एक गरीबी की आय रूपी के बारे में बताया गया, लेकिन यहाँ पर यह बताया गया है कि जितना अमीरों को कार्य करने और कार की पसंदगी की स्वतंत्रता मिलती है, उतनी स्वतंत्रता गरीबों को नहीं मिलती। गरीबी की पूर्ण संकल्पना प्राप्त करने में सिर्फ आय के संदर्भ में वंचितता का विचार न करते हुए, अभी अभी मैंने पहला नंबर बताया ऊपर आय रूपी गरीबी, तो उसमें यही कहा गया है कि गरीबी की संकल्पना को देखने के लिए मात्र आय को ही संदर्भ में नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसके अलावा मानव जीवन के विकास हेतु आवश्यक बातें जैसे कि शिक्षा, दीर्घायु, स्वस्थ जीवन, उच्च जीवन स्तर, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अवसरों की उपलब्धता, पसंदगी तथा स्वाभिमान के साथ गौरवपूर्ण जीवन का भी विचार होना चाहिए। फिर से मैं एक बार दोहरा दे रहा हूं, हमने पहला गरीबी के बारे में पढ़ा आय रूपी गरीबी, जिसके अंदर आय की बात की गई थी भोजन, कपड़े, शिक्षा, स्वास्थ्य के बारे में। दूसरे में हम पढ़ रहे गैर आय रूपी गरीबी, इसमें बताया गया कि सिर्फ आय को ही संदर्भ में नहीं लेना चाहिए, बल्कि मानव जीवन के विकास के लिए जो आवश्यक बातें हैं उनका भी समावेश करना चाहिए, जैसे शिक्षा, दीर्घायु, स्वस्थ जीवन, उच्च जीवन स्तर, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अवसरों की उपलब्धता, पसंदगी, स्वाभिमान के साथ गौरवपूर्ण जीवन का भी विचार होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसे हम संक्षिप्त में कहते हैं UNDP के मानव विकास अहवाल में मानव विकास अंक HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और मानव गरीबी अंक ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स की गणना में मुख्य तीन बातों साक्षरता, स्वास्थ्य, अच्छा जीवन स्तर का समावेश किया गया है। और ये सारी बातें आपने पिछले पाठों में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हमने देखा गरीबी का अर्थ, गरीबी के अर्थ के साथ साथ गरीबी के अर्थ गठन को दो भागों में बांटा गया, इस तरह से हमने ये प्रश्न पढ़ा और उसका परिचय लिया।